उज्जैन लोकसभा के कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश तिवारी आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चीन की दुकान और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर और जन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी राजेश तिवारी आज सुबह शहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को सत्य नहीं सत्ता चाहिए। अपने नरेंद्र मोदी पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि पहले भाजपा का नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब यह नारा चेतावनी बन गया है और बेटियों को भाजपा वालों से बचाओ। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश में जो मोदी जी ने एक नफरत का माहौल फैलाया है झूठ बोल के, कभी धर्म के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी इधर उधर के नरगल आरोप लगा के, उनके खिलाफ हमारी पत्रकार वार्ता थी। चूंकि आप दो लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे तगड़ा प्रहार किया है। वो संसद में बोलने नहीं देते हमारे नेता राहुल गांधी को, उन्होंने संसद सदस्यता निलंबित कर दी, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, भय भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जिस देश में नारा होना चाहिए हम आपको भय से दूर ले चलेंगे, पार ले चलेंगे, भ्रष्टाचार से पार ले चलेंगे, महंगाई से पार ले चलेंगे, महिला सुरक्षा पर नहीं बात करते, उनका नारा है कि 400 पार। किसी प्रकार से एन केन प्रकार, चाहे कोई रहे चाहे कोई मर जाए देश में, चाहे बेरोजगारी जिस लेवल पे फैल जाए, लेकिन मोदी जी को कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी उनको सत्ता नहीं, उनको सत्य नहीं, उनको सत्ता से प्यार है। हमारा नारा है कि हम देश को एक समुचित विकास के पथ पे ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो एकजहती है, जिसकी खूबसूरती है, उसको मजबूत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सारे कांग्रेस नेता एक जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है उसको मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से जनसमर्थन मिल रहा है, पहले 2 चरण के जो चुनाव हुए मोदी जी बौखला गए हैं और मुझे लगता है कि इस चरण में आ गए हैं कि अगले स्टेज में कहीं भी वो मंच पे रोते हुए नजर आ जाएंगे। इमोशनल कार्ड जो खेलेंगे यही है उनका लास्ट। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब की बार चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बनाने जा रहा है।